हाय माय डियर फ्रेंड्स, स्टाइल एंड यू में एक बार फिर आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत से ग्रैंड आउटफिट्स की, क्योंकि आजकल बहुत फैशन है कि बहुत आउटफिट जो हैं वो ग्रैंड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और स्टाइलिश, और साथ साथ ऐसे जैसे किसी प्रिंसेस या किसी क्वीन ने पहने हुए ऐसे आउटफिट्स। तो इसी के हवाले से बात होगी आज की। हमारी जो डिज़ाइनर हैं बहुत अच्छे आउटफिट्स उनके हैं, और उनसे हम यही फॉर्मल आउटफिट्स के हवाले से बात करेंगे। सना नूर हमारे साथ होंगी, और आज मैंने उनका आउटफिट भी पहना हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है, अगेन इट्स लुकिंग ग्रैंड। और साथ ही हमारे साथ जो और भी मेहमान हैं मैं उनका भी तारुफ करवा दूँगी। हमारे साथ सना नूर हैं, उनकी बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर फ्रेंड सीमा भी हैं, और हमारे साथ यंग मेकअप आर्टिस्ट सिमरा। इनसे पहले मुलाकात करेंगे, फिर और भी गेस्ट होंगे उनसे भी मुलाकात करते हैं। और सबसे पहले सना से बात करेंगे और उनसे उनके आउटफिट्स के हवाले से। सना ने ग्रैंड आउटफिट्स, इतने खूबसूरत आउटफिट्स, मैं ना लोगों को ज़रा वो कर रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ कि वो बाद में जब देखेंगे कि योर आउटफिट्स दे आर अमेजिंग, एक्चुअली इतने खूबसूरत हैं। जो मैंने कहा ना कि वो क्वीन लुक देते हैं, ग्रैंड लुक देते हैं, सो ये बड़ा अच्छा आपका आइडिया है। देखिए बेसिकली, थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, बेसिकली जब हम लोग फॉर्मल की बात करते हैं तो होता ये है कि लोगों का जो एक मिसकॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग जब अगर फॉर्मल की बात कर रहे हैं तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट्स होंगे तो ही वो फॉर्मल कहलाएंगे। जबकि हम डिज़ाइनर्स का काम होता है फॉर्मल को क्लासी कट लाइंस के साथ मर्ज करके आपको ऐसी चीज़ पहनाना जिसके अंदर आपका अपना आप जो है वो बहुत क्लासी लगे। तो दैट्स वाई हम लोगों की जितनी भी डिज़ाइनिंग है उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है कि हमारी कट लाइंस के साथ साथ अब हम आपको इस तरह का वर्क दें जो मिक्स एंड मर्ज हो के आपका जो लुक है वो और इन्हेंस करे, ना कि आपको दबा दे। एग्जैक्टली। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता, वैसे तो आपके पास बहुत हैवी आउटफिट्स भी हैं, पर ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो काम हो। आपकी कट लाइन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली ग्रैंड लुक देने लगे। बिल्कुल, आपका फॉल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके ड्रेस के अंदर आपका फॉल है तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत शेप अप लगती है, स्लीक लुक देती है, आपकी अपनी कट लाइंस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं। इनफैक्ट हमारे पास तो इस तरह की औरतें भी आती हैं जो कहती हैं कि यार मैं अपनी कोई भी बेटी की शादी है या फॉर्मल में कुछ भी आप पहनना चाहते हो, बट यार मेरा शेप अच्छा नहीं है, मैं बहुत बल्की हूँ, मेरा ये फिगर है, मेरा वो फिगर है, और मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ पहनूंगी तो वो और बुरी लगेगी। ये गलत है। अगर आपका कैरी करने का अंदाज़ है ना, और आपको लगता है कि आप कैरी कर सकते हो कोई भी चीज़, तो वो चाहे जैसी भी हो आपकी बॉडी उसको उठा ही देती है। लेकिन एक बात है, ये काम सिर्फ सना नूर कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। दैट्स आई बिलीव कि किसी भी पर्सनालिटी को एक डिफरेंट पर्सनालिटी और ज़बरदस्त पर्सनालिटी बनाने के लिए डिज़ाइनर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और सना जो है वो अमेजिंग काम कर रही हैं। सीमा, आप क्या कहेंगी, जो आउटफिट्स हैं उनको हमें किस तरह से कलर वाइज, और हमें उनको ये देखना होता है कि ये इस ओकेजन के लिए ऐसा होना चाहिए, दूसरे ओकेजन के लिए कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर भी आपने देखना पड़ता है, और हाँ और ये है कि समर्स में आप बहुत से कलर्स के साथ खेल सकते हैं, पेस्टल्स कलर ज़्यादा इन होते हैं, और विंटर में आप सॉलिड कलर्स की तरफ जा सकते हैं। तो यही है कि और कट भी आपको फॉलो करना पड़ता है, देन लॉन्ग एंड शॉर्ट हर तरह के आप ड्रेसेस चल रहे हैं तो आपको इस आप लोगों को क्या पसंद है? सना, लॉन्ग शॉर्ट? नहीं, बेसिकली मैं लॉन्ग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट शॉर्ट भी अगर आपके पास कट लाइन के साथ है तो वो बहुत क्लासी लुक देता है। इट्स अप टू यू। एंड यू?
या बहुत वो भी डिफरेंट मूड पे ही होता है. हाँ. कभी कभी होता है कि कहीं लॉन्ग पहनना है, बहुत ज्यादा फ्लेयर होना चाहिए, और कभी शॉर्ट भी अच्छा लग रहा होता है उसको. अच्छा, बस कैरी करना. यंग मेकअप आर्टिस्ट से पूछो उनको क्या पसंद है, शॉर्ट शर्ट्स या लॉन्ग. मूड पे डिपेंड करता है और कहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से. ये आजकल का फैशन क्या, फैशन में क्या, ट्रेंडिंग पे क्या है. इतने ग्रैंड लुक होता है, मतलब मैं अगेन मैं आप लोग कहूंगी कि आप लोगों ने एंड तक शो देखना है और आप देखेंगे कि सना के आउटफिट्स आर अमेजिंग, यू विल लव इट. तो आपने तो सिमिलर देखे आउटफिट्स, आप ये बताएं कि इतने ग्रैंड आउटफिट्स के साथ कैसा मेकअप होना चाहिए. अगर आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, थोड़ा फैंसी है, तो यू शुड गो फॉर नॉट मच हैवी मेकअप. तो थोड़ा सडल मेकअप करना चाहिए उसमें. और अगर ड्रेस ज़्यादा हैवी नहीं है, सो यू कैन गो फॉर ड्रामेटिक लुक. ड्रामेटिक भी आप जा सकते हैं. कौन से ऐसे 5 कॉस्मेटिक्स हैं जो आपके पास होने चाहिए लड़कियों को यूज़ करने के लिए, उनके पास होने चाहिए कॉस्मेटिक्स में? लिप कलर्स, ब्लशेस, मैं बहुत यूज़ करती हूँ लिप कलर. तो एक ही लिप कलर का भी बहुत मजबूरी होते हैं, एक ही लिप कलर से जो है ना वो ब्लश ऑन भी कर दिया. अलावा भी लिपस्टिक से भी है, मैं पूरा मेकअप जो है ना एक अगर बहुत मजबूरी होती है तो. इंटरनेशनल लेवल पे देखो ना, तो बेसिकली आप कहीं भी अगर जा रहे हो तो आप देखोगे कि आपके पर्स के अंदर या आपकी कोई भी चीज़ जो हो ना वो आपके पास एक ही होती है ज़्यादातर. मैंने ज़्यादातर ये देखा है लड़कियाँ जो है वो एक ही लिपस्टिक से अपना ब्लश ऑन भी कर रही होती हैं, अपनी लिपस्टिक भी लगा रही होती हैं, उसी को ज़्यादातर यूज़ हो रही है आजकल. वही यू कैन गो हर जगह फेस पे पूरे यूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास पूरा मेरा मेकअप का पाउच होता है, सो मेरे पास सब चीज़ें होगी. अच्छा, आपको मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? टिन. और आपको? पर्सनली अगर मैं अपनी कलर पैलेट को शेयर करूँ तो मेरे पास विंटर्स के अंदर जो है वो पीकॉक ब्लू, पीकॉक ग्रीन, ब्लैक, इस तरह के जो कलर्स है ना, खासतौर पर जो मरून्स के टोन्स होते हैं, रूबी रेड्स के टोन्स होते हैं जो कि अभी मैंने खुद वेयर किया हुआ है, तो वो कलर्स ऐसे होते हैं कि आप किसी भी कलर के साथ उसको वर्सेटाइल कर सकते हो. आप कोई भी कलर के साथ आपने उसको कैरी कर लिया तो वो आपके ऊपर अच्छा ही लगेगा, वो कॉम्प्लीमेंट ही करेगा, वो आपको बुरा नहीं दिखा सकता. बिल्कुल. अच्छा, अब हमारे साथ दो और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जो हमें बेसिकली बताएंगे कि वो खुद अपना ख्याल कैसे रखते हैं, और क्योंकि विंटर्स हैं और साथ साथ ये है कि आप शादियों का सीज़न है तो उससे पहले पहले अपने आप को फिट कैसे रखना है, अपने आप को अपने ट्रिम कैसे करना है, तो ये सारी टिप्स लेंगे अपने गेस्ट से. सिमरा हमारे साथ ही होंगी. थैंक यू सो मच सिमरा. बट आपने इसके बाद हमें जो है अगले जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें आपने हमें मेकअप करके दिखाना है. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टिल दिस सेगमेंट. आपसे अब सेकंड सेगमेंट में मुलाकात होगी. ऑलराइट जी, दो और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है. हमारे साथ शिराज मौजूद हैं और साथ ही हुमा. हुमा ब्रिलियंट सिंगर हैं, बहुत अच्छी वो गाना गाती हैं, और शिराज जो फिटनेस ट्रेनर है. तो शिराज से पहले मैं सवाल करूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका मेन ओकेजन कोई आ रहा है, दैट इज़ लाइक शादी या कोई आपकी इंगेजमेंट आने वाली होती है, तो उस पर क्या ऐसा एक तो कितना टाइम पतला होने के लिए और शेप होने के लिए, क्यों सना से कहना शेप होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी. बहुत पतले की बात भी नहीं थी, पर शेप होना ज़रूरी, क्योंकि आउटफिट्स अच्छे लगें. तो ये कुछ टिप्स बताएं उस हवाले से. जैसा कि आपने कहा कि शादियां आने वाली हैं और तमाम शादी किसी की हो, अगर शादी होने वाली है किसी की भी, तो उनको सबसे पहले जो चीज़ करनी चाहिए, जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आइडियली वी नीड एटलीस्ट 6 months to 7 months. मेरे पास तो 2 महीने पहले आते हैं, तब मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि ओ माय गॉड सिर्फ 2 months. लोग इतने मतलब वो प्लानिंग से, अब इसलिए मैंने कोविड के बाद प्लानिंग खराब हो गई, तो अब जरा शॉर्ट टर्म बताओ, 6 महीने छोड़ो. अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 months हैं और 2 months में जो है वो ब्राइडल को तैयार होना है या ब्राइडल की सिस्टर को रेडी होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी कार्ब्स को थोड़ा सा कम करना होगा और मैक्सिमम अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना होगा. अच्छा, जैसा मैं हूँ, मुझे प्रोटीन बिल्कुल सूट नहीं करता, फिर मैं क्या करूँ? अगर आपका प्रोटीन सूट नहीं करता है तो आपने उसके साथ जो है अपने आपको हाइड्रेट ज्यादा करना है. हाइड्रेट ज्यादा करना, जूसेस पी लें, फ्रूट्स खा लें, पानी का इंटेक भी, बिकॉज वाटर इज अ कैटलिस्ट लाइक के जब आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो जैसे अगर आप अपने फूड के इंटेक को कम करते हैं तो वो उस तरह से बिहेव करता है. जब आप गेन करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से बिहेव करता है. दिस इट वर्क्स इन द बोथ साइड. तो मेरे ख्याल में अगर जैसे आप हैं और आपको लगता है कि आपको प्रोटीन सूट नहीं करता है, तो आप अपनी डाइट के अंदर पानी को हाइड्रेट कर लें और पानी का इंटेक बढ़ा दें ताकि आप हाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि डिहाइड्रेशन जितनी कम होगी उतना ऑक्सीडेशन लेवल आपका बढ़ता रहेगा, तो आप ज़्यादा. अच्छा, एक और चीज़ ये भी, तो खाने में क्या क्या खाना चाहिए? खाने में क्या क्या खाना चाहिए, वैसे तो लोग सभी कुछ खा रहे होते हैं नॉर्मली, मगर जो लोग डाइट कॉन्शियस हो रहे होते हैं और जिनको अपने आप को कम करना होता है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादातर जो है स्टेक्स,
से फॉर्म में आप कुछ भी कर रहे हैं, ग्रिल फॉर्म में चीजें लें, ऑयल अगर आप यूज, हाँ ऑयल अगर आप यूज करना भी चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन, कि आप उसके अंदर ऑयल यूज करते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज करें, आप घी वगैरह और इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। और अगर आपको असल में हमें हर हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, तो बेसिकली अगर आप राइस भी लेते हैं तो वी नीड टू मेक द पोर्शंस ऑफ एवरी सिंगल थिंग। एक प्लेट के अंदर अगर आप बाहर अब्रॉड में देखते हैं तो दे मेक द पोर्शंस ऑफ द फूड, स्पेशली व्हेन फ्रेंच फूड देखते हैं, वो बड़ा क्वांटिटी का क्वांटिटी उसकी इतनी इतनी सी, और मजा भी आता है बहुत सारा खाने में, आपको वेरिएशन आ जाती है ना, आपको हर चीज के अंदर वेरिएशन तो चाहिए, बोरिंग नहीं लगता। एग्जैक्टली, हां ये बात तो है, कलर्स आपको बहुत ज्यादा, आप दोनों के भी कलर्स ऐसे वाइब्रेंट और मजेदार है ना कि स्क्रीन पर भी अच्छे आ रहे होंगे। अच्छा आप ये बताएं हुमा कि आप अपना खुद का ख्याल कैसे रखती हैं, क्योंकि बीइंग सिंगर आपको जो है कॉन्सर्ट्स भी करने हैं, आपको जो है शोज में भी आना है, तो आप अपना खुद का ख्याल कैसे रखती हैं? मैं अपना ख्याल मतलब डाइट में तो मैं सब कुछ लेती हूँ जैसे इन्होंने कहा, बस ये है कि वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं, मतलब आई एम नॉट ऑन एनीथिंग एवरी टाइम, मतलब मुझे पता है मुझे क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्वांटिटी इज एवरीथिंग आई गेस, तो उसके हिसाब से अगर आप सब कुछ भी ले सकते हैं तो आई डोंट थिंक आपको कोई चीज़ एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है। एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो जो है मेरी टाइमिंग्स में मैंने अपनी रूटीन में मैंने जिम भी रखा हुआ है और मुझे इनफैक्ट काफ़ी फ्रेश फील होता है उसके बाद, अपने आप को बहुत फिट फील करती हूँ, नो मोर डलनेस, नथिंग एट ऑल। बिल्कुल। अच्छा कलर्स को कैसे पहनना पसंद करते हो आप जब आप किसी ओकेजन में जाते हो, कलर्स वेडिंग में जाना हो तो? वेडिंग में तो जाहिर सी बात है ब्राइट कलर्स, अदरवाइज जो भी सूट करे, बनाता वो नहीं है जो जो कलर जो जिस वक्त अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू ओकेजन। अच्छा, और मेकअप कैसा अच्छा लगता है? मेकअप लाइट, लाइट मेकअप भी ठीक है। अच्छा आप वैसे लड़कों में क्या सजेस्ट करोगे कि लड़कों को कैसे कलर्स पहनने चाहिए? अच्छा एज फार एज कलर्स कंसर्न, तो बिकॉज एज अ प्रोफेशन मतलब मैं इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे भी लगता है कि कलर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के लिए, और कलर से ही आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। तो लड़कों की जहाँ तक बात है तो लड़कों को जो है ना, मुझे जाकर करके डार्क कलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉयज़, आजकल ऑब्वियसली ब्लैक इज़ ऑलवेज बींग अ फेवरेट, जो कि सबका ही फेवरेट होता है, ब्लैक फेवरेट होता है, चारकोल ग्रे फेवरेट होता है, वाइट फेवरेट होता है, मगर इसके अलावा भी अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो आई वुड प्रेफर के उनको नेवी ब्लू कलर्स, दैट अपील्स अ लॉट। अच्छा सना से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगी, सना होता यह है कि हमारे पास जो मतलब जिस तरह देख रहे होते हैं कि मेहंदी पे या शादी पे दो डिफरेंट टाइप के आपको जो है ओकेजन्स होते हैं, और उनमें ऐसा होता है कि ब्राइट एक कलर पहने, अब ब्राइट अपनी मर्जी से कलर पहने, वो हो सकता है पैरेट ग्रीन पहन ले, और अब वो कहते हैं कि दूल्हा भी मैचिंग करे, अब दूल्हा पैरेट ग्रीन पहना हुआ तो पैरेट लगेगा। अच्छा अगेन यहाँ पे भी अगर आप बात करते हो ना, कोई भी कलर पैलेट को अगर आप डिस्कस करते हो कोई भी ओकेजन के हिसाब से, तो सीन ये हो रहा होता है कि हमारे पास जब ब्राइड आ रही होती है तो वो यही कहती है कि हम अपने ग्रूम को मैचिंग पहनाना चाहते हैं, और वो ब्राइड को हर कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है बिकॉज वो मेहंदी के अदर कलर्स होते हैं। तो यार बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे लगता है कि लड़कों को भी कलर्स कैरी करने आने चाहिए। अब आप वेस्ट कोट ले लो, आप श्रग ले लो, हाँ, आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो, exactly. उसके अंदर आपके पास कलर्स आ जाते हैं। अगर आप ब्लैक कलर का कुर्ता पहन रहे हो उसके ऊपर आपने एज अ टाइप ऑफ अ शॉल आपने कोई भी कलर ले लिया, तो वो आपकी ब्राइट के साथ आपकी मैचिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा आपका कलर ब्रेक भी हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर, जो एक हल्का सा टिंच आ जाए उसके अंदर ताकि वो ब्राइट के साथ मैच कर जाए। अच्छा बड़ा मजा आता है जब हमारे गेस्ट जो है शो में आते हैं उनके साथ हम एक छोटी सी गेम भी करते हैं, खेलेंगे बिल्कुल खेलेंगे, खेलना होगा मेरे शो में, तो गेम तो खेलनी होगी। ऑलराइट जी, अब गेम का टाइम आ गया तो हम खेलेंगे डम्प ट्रेड। तो आप लोगों ने दोनों ने एक्ट करना है और आप लोगों ने बूझना है, ठीक है? तो ये देखेंगे कि कौन पहले बूझ सकता है। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं जब हम एक्ट करेंगे, ठीक है? और आप भी शामिल हो सकते हैं जब शिराज एक्ट करेंगे, ठीक है? तो कोई एक चीज़ सोच लें कि क्या एक्ट करेंगे आप, सोच लिया? ऑलराइट शिराज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम चले दिल, हम बहुत सारे हैं, चले दौड़े, हम राह सफर, जहाज, हम सफर चले। अब एक आपने हम
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एग्जैक्टली, या वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऑलराइट शिराज अगेन, एक मैंने पूछा, एक हुमा ने पूछा, तुम दोनों ने भी तो पूछा. अच्छा इसको कुछ मिलने वाला है तो हम एफर्ट ज्यादा करें. देखो तुम्हें मेरी मोहब्बत मिली, ओह माय गॉड, इससे ज्यादा कुछ चाहिए जिंदगी में? बस डन है, डन है, डन हो गया ना. जी शिराज, जुनून. मुझे कुछ मिलने वाला था, ये कहते हैं सच्ची मोहब्बत. चला कुछ मिलने वाला है तो फौरन दो. इन्होंने मैंने कहा मैं पाकिस्तानी आवाम को कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है, मोहब्बत मिल जाए, चाहे कुछ भी हो मिलना चाहिए, एक्ट में भी मिलना चाहिए. मिला ना, मोहब्बत मिल रही है ना. और अच्छा एक मैं एक्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने गेस करना. बहादुर जुल्फे, बॉडी, जिस्म, कसरत, वर्जिश, बॉडी बिल्डिंग, पर्सनालिटी है ये. अच्छा पर्सनालिटी है, ओके ओके ठीक है. जुल्फे, वर्जिश, शिराज. अच्छा आजकल है ना ये ट्रेंड हो गया है कि हमारे यहाँ के जितने भी लड़के हैं ना वो खासतौर पर अपनी जुल्फों के ऊपर, वाकई जुल्फों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं. हाँ नहीं नहीं, अच्छा वो लड़कियों को देख देख के मुझे लगता है कि अब उनको ना थोड़ा सा फील होता है कि यार हमारे भी बाल होने चाहिए, हमें भी थोड़ी केयर होनी चाहिए. मुकाबला बहुत आगे, सोशल मीडिया में इतने आगे लोग चले गए हैं ना कि अब उस चीज़ को जो है ना आपको अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को अच्छा देखना. और मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि पहले जो है, पहले तो शादी में ये होता था ना कि सिर्फ ब्राइड ने अच्छे आउटफिट पहने या बहनों ने या भाई की, मतलब जिसकी शादी है उसकी बहनों ने पहने हुए हैं, लेकिन अब कजन्स भी. तो जितने भी हमारे फैशन शो है ना, सबसे ज्यादा जो टॉप मॉडल होगा ना उसके सबसे ज्यादा बड़े बालों कर्ल बाल होंगे. ऐसे ही है पाकिस्तान, जैसे फैशन वीक मैंने 2020 किया तो उसके अंदर भी जो हमारा टॉप लीडिंग मॉडल था उसके बाल बड़े थे एंड इट वाज टोटली कर्ल्ड, जस्ट लाइक जैसे निगाह होते हैं ना इस तरह से. तो वो जो ट्रेंड है ना, वो काश नहीं मुझे घास नहीं करें बट ये इट हैपनिंग हेयर नाउ. तो आई लव हिज हेयर स्टाइल, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, अमेजिंग, वो कैरी बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है. शहरयार के भी बाल बहुत अच्छे हैं, वो एक शहरयार इज अ मॉडल. आई रियली लाइक योर हेयर कट एज वेल, ये मुझे अच्छा लगा. मैंने कहा स्कोर अच्छे तरीके से जो ना वेल वो रखना चाहिए. मैं सबसे एक एक करके टिप्स लूंगी. हुमा को टिप्स देना चाहूंगी लोगों को फॉर व्हाट, फॉर ऑल ओवर अपने ग्रूमिंग के लिए क्या. मैं सबको ये कहूंगी कि जिम जरूर ज्वाइन करें, एवरीबॉडी हैज टू लुक गुड, और अपनी फिटनेस का ख्याल रखें. जी शिराज, मैं सिर्फ यही गाइड करूंगा सब लोगों को कि अगर एज फार एज मॉडल कंसर्न, इफ़ यू आर अ मॉडल और आप अपना आपको अच्छा देखना चाहते हैं और आप अपना आपको किसी प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं, तो किसी चीज़ पे कहीं पे भी देखने के लिए अपने आपको पहले अपने ऊपर मेहनत करें और अपनी फिटनेस को आगे लेके जाएं, अपने आप को अच्छा देखें. इफ़ यू फील गुड देन यू कैन डिलीवर गुड. सो गुड, यस. एज अ डिज़ाइनर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके जो जो ड्रीम है आप उसको फॉलो करें, और जो करना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या जो भी एक्स वाई ज़ेड, तो आप लाजमी उस अपने ड्रीम को थ्रू करें. यस सना, देखिए मैं अगर वाकई डिज़ाइनर के तौर पे हम बात करते रहें तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग चीज़ फेस करते हैं वो ये होता है कि हमारे पास औरतें आके एक ही बात कर रही होती हैं कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ तो मेरी बॉडी की वजह से मुझ पर नहीं उठेगी, या फिर मैं, मेरा कलर जो है वो इतना फेयर नहीं है कि नो. हाँ तो हर बंदी को हर चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. अपने आप को बाउंड्री लाइंस के अंदर मत लेकर आओ कि दिस इज़ माई बाउंड्री और मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती. आपको हर चीज़ कैरी करने का अंदाज़ आना चाहिए. अगर आपका अंदाज़ अच्छा है तो आप हर कलर को, हर स्टाइल को कैरी कर सकते हैं. सो ट्रू, सो ट्रू. इसके साथ ही अब हम जाएंगे मेकअप सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर सिमरा बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है सना नूर के आउटफिट पे मेकअप करके दिखाएंगी. सो स्टे विद अस. और right, जी अब सेगमेंट है हमारा मेकअप का, और मेकअप के लिए यंग मेकअप आर्टिस्ट सिमरा हमारे साथ हैं, और ये जो हैं बताएंगी आज के आई मेकअप कैसे होता है. वैसे इनका बेस, इनका हर, इनका प्रोडक्ट, इनकी पूरा लुक जो है वो बहुत स्टाइलिश और ज़बरदस्त है. तो ये आज आपको स्पेसिफिकली बताएंगी, कुछ टिप्स देंगी आई मेकअप के हवाले से. जी सिमरा, हाउ आर यू?
I'm good. अच्छा अब ये बताएं कि आज आप क्योंकि आउटफिट सना नूर के बहुत खूबसूरत आउटफिट है और ये ज़्यादातर ये कि आप फॉर्मल वेयरिंग में पहन सकते हैं, तो आप सारा के ऊपर कैसा मेकअप चाहोगी कि आई मेकअप कैसा होना चाहिए? बेशक आपका बहुत फॉर्मल आउटफिट भी हो, बट व्हाट्स इन योर माइंड? थोड़ा सा और शिमरी टाइप. अच्छा शिमरी टाइप, ठीक है. आप अपनी टिप्स देना शुरू करें. सबसे पहले आई पे आप क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले मैं आई पे बेस लगाऊंगी ताकि मेरा आई शेडो जो है आई शेड्स वगैरह बहुत अच्छे से आए कलर्स. तो सबसे पहले मैं कंसीलर लगाऊंगी, उसको सेट करूंगी. ठीक है, आप कंसीलर लगाएं. और कौन सा कंसीलर यूज़ करेंगे? मैं मेबलिन का टिपली मेबलिन का यूज़ करती हूँ. ठीक है, इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि लाइट कलर का ही यूज़ करें या डार्क कलर का यूज़ करें? कोई स्पेसिफिक कलर होता है या नहीं? जो आपका स्किन टोन कलर है. जो स्किन टोन कलर है, ठीक है. स्किन टोन कलर के हिसाब से सिमरा जो है वो इस वक्त यूज़ कर रही हैं कंसीलर. ज़्यादातर लोग पेंट पॉट भी यूज़ करते हैं, कोई जो है डिफरेंट टाइप के कंसीलर क्रीमी कंसीलर्स भी यूज़ करते हैं वेदर के हिसाब से. और इन्होंने जो है थोड़ा सा ये जो है मैट फिनिश है, राइट? इसको पूरी आई को कवर कर दी. सेकेंड स्टेप, लूज पाउडर लगाओगे. इसको सेट करेंगे, इसको सेट करोगे. इसको भी बिल्कुल बेस की तरह सेट करना होता है ना, जब आप फाउंडेशन आप फेस पर लगाते हैं तो आई मेकअप के लिए भी आपको आई का जो बेस है वो भी सेट करना होता है. एक ज़माने में लोग पानी के साथ यूज़ कर लेते थे उसको इंटेंस कलर देने के लिए, लेकिन इंटेंस कलर देने के लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती है. आपने अच्छे से कंसीलर लगाया, उसके बाद आपने जो भी आई शेड लगाएंगे वो इंटेंस कलर ही देगा. तो मैंने इसकी बेस सेट कर दिया, अब मैं आई शेड लूँगा. ठीक है, आई शेड कौन सा यूज़ करोगे सबसे पहले ये बताओ? मैं जैकलिन हिल की पैलेट यूज़ करी एंड आई एम गोना गो फॉर द वार्म शेड्स. ठीक है, वार्म शेड्स में क्या क्या आएंगे जरा सा थोड़ा आप बता भी दो. वार्म शेड्स में ब्राउन टोन पे शेड्स आते हैं. बता भी सकते हो स्क्रीन पे यूं करके दिखा कर ना. हाँ, दिस वन और लाइक ब्राउन पिंकर शेड्स. ठीक है, ये सर तो कितने शेड्स यूज़ लोग कहते हैं कि सॉफ्टर आई मेकअप है भाई, एक ही आई नहीं होता वो ब्लेंडेड चाहिए, ब्लेंड करना होता है. तो पहले लाइट से स्टार्ट होकर फिर वो डार्क की तरफ जाएगा. ठीक है, ओके. सबसे पहले मैं लाइट से स्टार्ट करूँगी. ठीक है, कौन सा शेड यूज़ किया? मैंने ये वाला. कौन सा? अच्छा बिल्कुल ठीक है. इट्स लाइक नॉट इवन बेज, नॉट इवन पीच, इट्स इन बिटवीन दोनों का, पर सारे अर्ली टोन्स आप यूज़ कर रहे हो विच इज़ वेरी नाइस. लोग अक्सर ये करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा गॉडी मेकअप भी हो जाता है, बहुत हैवी भी हो जाता है, तो ये कि आप अपनी स्किन के हिसाब से अपने फेस के हिसाब से जो है ना मेकअप आप करें. सारा पे बहुत मैंने देखे बहुत या फिर तो बिल्कुल ही वो फिर शी लुक वेरी ओल्ड एक्चुअली है ना, अगर ज़्यादा आँखों का हैवी कर देगी तो. With a bit darker shade on the outer corners. Okay. उसी का ही earthy tone का ही? थोड़ा सा dark shade है. Little dark. ठीक है. बहुत dark नहीं लिया, like बहुत dark brown या कुछ ऐसा नहीं लिया, उससे थोड़ा सा dark लिया. Lighter से darker से darker से darkest. पर आप कहाँ तक dark इसको रखोगे? बस. ज़्यादा नहीं. बस थोड़ा सा. ठीक है. स्पेसिफिक ब्रशेस भी होते हैं या अगर जब हम क्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़े से पतले और क्रीज वाले ब्रशेस यूज होते हैं. ठीक है, और ब्लेंडिंग के लिए फ्लफी ब्रशेस यूज होते हैं. तो अभी आप कौन सा यूज कर रहे हैं? मैं क्रीज के लिए यूज कर रही हूं. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लफी नहीं है अभी. वैसे भी मैंने देखा है जब क्रीज ब्रश यूज करते हैं थोड़ा इंटेंस कलर आता है, डार्क कलर आता है, लेकिन जब आप फ्लफी ब्रश यूज करेंगे तो फौरन से वो डार्क कलर नहीं आता. उसके क्रीज बना कर फिर आप उसे जो है ना ब्लेंड करें. अब जिस तरह उन्होंने किया, दिस इज द परफेक्ट वे.
अब मैं थोड़ा सा ब्राउनिश शेड दूंगी आउटर कॉर्नर के और फिनिश। ओके, थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर और उसके बाद फिर लाइनर आप दोगे इसमें थोड़ा? लाइनर नहीं, नहीं आपने इसको लैश से ही इसको कवर कर दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर द शिमर। व्हिच कलर यू यूजिंग फॉर द शिमर? कॉपर एंड गोल्डन। ओके, व्हिच वन? कॉपर एंड गोल्डन, दोनों को मिला कर। अच्छा, ये जो कॉर्नर्स दी वहाँ तक जाएगा या सिर्फ जो है सेंटर में? सेंटर में, इनर कॉर्नर से सेंटर में। हाइलाइटिंग दोगे आईब्रो के नीचे इसके? ओके, वो किससे दोगे फिर? बिल्कुल लाइट शेड से, शिमरी लाइट शेड से। द मोस्ट वो जो सबसे लाइटेस्ट। थोड़ा सा और डार्क कलर लिया तो उससे ये है कि एक कॉर्नर का एक इफेक्ट जो है वो अच्छा सा बन जाएगा। अच्छा, कोई आई के हिसाब से कोई टिप स्पेशली होगी कि किस तरह की आई पे कैसा मेकअप करना चाहिए कुछ? हम नॉर्मली सॉफ्ट लुक पे जाना चाहिए, जो सॉफ्ट लुक सारी आईज पे सूट करता है, ड्रामेटिक लुक जो होता है वो बहुत कम फेसेस पे सूट करता है। ठीक है, ज़्यादातर आप कहते हो कि सॉफ्टर टोन पे, स्पेशली यंग गर्ल्स टीन्स में तो हम यही कहते हैं कि सॉफ्ट टोन्स पे ही जाएँ, उनमें वैसे भी बहुत ड्रामेटिक अच्छा नहीं लगता जब तक उनका कोई ओकेजन ऐसा होता है जिसमें उनको ड्रामेटिक लुक चाहिए होता है। अब इनर कॉर्नर से लास्ट। ओके, कंप्लीट। ठीक है, ये इनर कॉर्नर किससे का आपने किया कलर से? लाइट शेड्स, लाइट शिमर शेड्स। ऑलराइट, सही है। थोड़ी सी आप टिप्स दे दो कि कोई आपने फाउंडेशन के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें मस्ट हैं स्पेशली सर्दियों में यूज़ करने के लिए? सर्दियों में मेकअप करने से पहले तो सबसे ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मेकअप बहुत ज़्यादा केकी लगता है। हाँ, और स्किन ड्राई लगता है, केकी क्रैकी लगता है मेकअप, तो सबसे ज़्यादा तो स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए और फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, लिटिल बाय लिटिल लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच सिमरा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने देखा कि सिमरा ने मेकअप किया, बहुत सॉफ्ट सा लुक है सारा का, बहुत अच्छा सा नीट सा लुक आ रहा है और यही लुक जो है वो अच्छा लगता है फॉर यंग गर्ल्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही सना नूर की आज आउटफिट्स हैं वो भी हम देखेंगे, उसकी वॉक देखेंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आपने कहीं नहीं जाना।